अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल की जानिब से, अनकट टीम की जानिब से और मेरी जानिब से आप तमाम नाजरीन को और तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को ईद उल अदा की पुरखलुस मुबारकबाद हम आज पेश करते हुए हमारे शो का आगाज करते हैं। दो दिन से काफ़ी बारिश चल रही है, इस बारिश में भी मुसलमानों ने नमाज ईद उल अदा काफ़ी एहतराम से मनाई। मीर आलम ईदगाह, मक्का मस्जिद और दूसरे मसाजिद में नमाज का एहतमाम किया गया था। वैसे तो नमाज ईद ईदगाह में मनाना, ईदगाह में पढ़ना अफजल है, लेकिन ऐसे रीजंस जैसे बारिश ज़्यादा हो रही हो या तकलीफ हो रही हो तो मसाजिद में भी नमाज अदा की जा सकती है, लिहाजा कल ऐसा ही कुछ सामना करना पड़ा हमारे मुसलमान भाइयों को। जो लोग बारिश में भी भीगते हुए गए हैं ईदगाह मीर आलम को गए हैं नमाज पढ़ने के लिए और दूसरी ईदगाह भी गए हैं, और जो लोग नहीं जा सके वो लोग अपने मोहल्ले की कॉलोनीज की मसाजिद में नमाज ईद उल अदा अदा की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MP सदर मजलिस और दूसरे मजलिस के अराकीन असम्बली, MLCs, तमाम लोगों ने नमाज अदा की मुख्तलिफ मुकामात पर। आइए ईद के नमाज के सिलसिले में ये दो चार मिनट के हम विजुअल्स देख लेते हैं। Allahu Akbar.
أمره بفتح ولدي وفي البيت كبيري ولم يقالج هو بشعور بالعصيان فهوك فانظر ماذا ترى قال يا الله من الصابرين فقده الحبيب إلى الجبل حتى فاضت عبرته وعظمت وقالت يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا إنا رأينا أمرا حفيا فرحم إلهنا هذا الشيخ واقضي هذا الطفل الذي على البلاء صبر فنودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ويا إسماعيل قد صبرت على البلوى إنا كذلك نجزي المحسنين فعند ذلك جاء الفرج القريب من الموت العظيم ونزل النبي جبريل من الدرر فارغبوا فيها واستمرحوها المسلمون لا تتبعوا خطوات الشيطان فانه يامركم بالفحشاء والمنكر الحمد لله صاحب نبيكم في الغالي والرفيق خليفه رسول الله وعلى الزاهد الاوان الناس في الصواب العظمى وعلى امهما سيدة نساء العالمين الدخول سيدتنا فاطمه المطهرين من الدنس والرجال سيدنا ابي عمر الحمزه وسيدنا ابي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام الباقين من العشره البشر الذين بايعوا النبي تحت الشجره وسائر الصحابه والقرابه والازواج وامهات المؤمنين وبنات رسول الله وتمام في قلوبنا بالذي الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا चलो बेटा अरे भाई तुम्हारा फोन चलो आजा भाई फोन आ रहा बकरीद ईद मुबारक आज हैदराबाद सिटी में पूरा एरिया में बकरीद के रिलेटेड प्रेस एक अमन और शांति से कंप्लीट हुआ है। हर एक एरिया में जो भी अरेंजमेंट्स करना था पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और ये प्रेस को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आगे जाने के लिए तमाम अरेंजमेंट्स किया थी और पूरा एरियाज में प्रेस का कंप्लीशन हो गया। और दूसरा आज ये बकरीद फेस्टिवल का एक मामला में पूरा एरिया में दिन भर हर एक पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स स्टाफ पेट्रोल कार्स ब्लू कोट जो भी ऑफिसर्स हैं उनका उनका एरिया में गश्ती करके पेट्रोलिंग करके एरियाज में अमन और शांति रखने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं। और ये बकरीद फेस्टिविटीज में ये सैनिटेशन रखने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 1,00,000 कैरी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके साथ ही साथ जीएचएमसी भी
लाखों का ये बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन करके हर एक एरिया में जो भी एनिमल वेस्ट होता है ये बैग्स में रख के ये जल्दी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमानों ने बड़ी खुशी से ईद मनाई, कुर्बानियां दी, लेकिन एक हिंदुस्तान में ऐसा भी मुकाम है जहां पर ईद के दिन भी वायलेंस, पुलिस की जानिब से आवाम पर फायरिंग, लाठी चार्ज, वहां के लोग ईद नहीं मना सके। वो भी मुसलमान है, वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। जी हाँ नाजरीन, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कल ईद के दिन भी कश्मीर में कर्फ्यू था और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए निकले थे उन पर भी बंदूकें तानी गई, वायलेंस हुआ, पथराव हुआ। देखिए आप क्या बदकिस्मत हो गया है कश्मीर, आइए एक नजर देखते। क्या हो गया उसको, कुछ बता हो गया वहां पर कश्मीर का बुरा हाल। नमाज को जाने के लिए भी लोगों को रोका गया। खैर कर्फ्यू है, कानून की पाबंदी करना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ तमाम हिंदुस्तान ईद मना रहा है, खुशियां मना रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर की आवाम वायलेंस में मौजूद है। आइए दो दिन से
जो हाल हुआ है तेलंगाना स्टेट का बारिश की वजह से, वो तो मैं बता ही नहीं सकता। आवाम जानती है सड़कों का क्या हाल है, ड्रेन लाइन्स खुले हुए, मेन होल्स कई जगह पर, मकानात मुनहदिम हुए हैं जो पुराने मकानात थे। दो दिन से आज भी लगातार बारिश है और फोरकास्ट है कि कल भी बारिश रहेगी। देखते हैं एक बार बारिश से मुतालिक चंद विजुअल्स। अभी और एक दिन जोरदार बारिश बताई जा रही है तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में भी। तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात ही कर लीजिए बाहर निकलने से। वैसे भी कल छुट्टी है, हम आपको इत्तला देना चाह रहे हैं, कल गणेश निमज्जनम है, बालापुर से शुरू होगा और टैंकबंड पर ख़त्म होगा। गणेश निमज्जनम की रूट ओल्ड सिटी से होते हुए मौजमजाई मार्केट, एबिट्स, टैंकबंड, लिबर्टी में ट्रैफिक डाइवर्शंस कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर की जानिब से आज ऐलान कर दिया गया है कि रूट्स को अवॉइड करें, निमज्जन प्रोसेशन जो जुलूस जाता है गणेश का, उस रोड्स को अवॉइड करें और अल्टरनेट रोड्स देख लें। वैसे भी कल छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है, शायद शाम तक ऑफिशियल इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर ज़रूरी काम ही होगा तो। बाहर आइए, अब हम व्हाट्सएप अनकट की जानिब से एक ज़रूरी अवेयरनेस का ऐलान हमारे नाजरीन के लिए करना चाह रहे हैं। जरा ये फोन कॉल को गौर से सुनिए। आप सबको शायद ऐसे कॉल्स आते होंगे लेकिन आप लोग अवॉइड कर देते हैं। आजकल ये कॉल्स बहुत हो गए हैं, बैंक से कॉल कर रहे हैं कह के चंद चीटर्स आवाम को धोखा दे रहे हैं, अकाउंट में से पैसे गायब हो जा रहे हैं। ये लेटेस्ट वाकयात शहर में पेश आए हैं, 3-4 मुकामात पर बैंक से कॉल आता है आपके फोन पे, आपके एटीएम कार्ड का नंबर पूछा जाता है, 14 डिजिट नंबर पूछा जाता है, पासवर्ड पूछा जाता है। ये कहा जाता है कि बैंक के कार्ड के रिन्यूअल का टाइम आया है, बताइए हम बैंक से बात कर रहे हैं। लेकिन बैंक वालों का कहना है कि ऐसा कोई भी कोड वर्ड, पिन कोड, सीवीवी नंबर हम लोग नहीं पूछते हैं, ये चीटर्स का काम है। आप फोन बात करते ही रहते हैं, आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है और आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं। ये ऑनलाइन चीटर्स होते हैं,
इन लोगों से आप लोग एहतियात करिए और कोई भी ऐसे कॉल को एंटरटेन मत करिए, फौरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपको ये बात भी हम बता दें कि पुलिस में, सीसीएस में, साइबर क्राइम्स में हजारों कंप्लेंट्स रखे हुए हैं ऑनलाइन चीटिंग गैंग्स के, इस तरह की जो मैं इत्तला दे रहा हूं आपको। पैसे तो आते नहीं है, बहुत मुश्किल है। चीटर्स कहीं अमेरिका लंदन में भी बैठ के डुप्लीकेट सिम, फेक सिम लेकर हैदराबाद से ऐसा कॉल कर रहे हैं ये लोग। एक फोन कॉल हम आपको सुनाना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिए और एहतियात करिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल का काम है लोगों में अवेयरनेस लाना है, ऐसे चीटर से होशियार करना है। ये कॉल आप गौर से सुनिए, इस तरह के कॉल्स ही आते हैं, गौर से सुनिए। हेलो जी, सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रही हूँ, एसबीआई से। आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं एसबीआई का? हाँ कर रहा हूँ ना। उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कॉल है सर, आपका एटीएम कार्ड चेंज किया जा रहा है, आपको न्यू कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। बाय सिक्योरिटी रीजन सर, सभी कस्टमर्स के कार्ड रिप्लेस करके नए कार्ड दिए जा रहे हैं डबल सिक्योरिटी के साथ। कार्ड के फ्रंट साइड पे आपकी फोटो पंच होगी एंड कार्ड के बैक साइड पर ट्रैकिंग आईडी की चिप दी जाएगी। ओके सर। ठीक है। एंड ये कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे एंड आपके कार्ड की वैलिडिटी भी सर 2 ईयर एक्सटेंड कर दी जाएगी। ओके। ठीक है जी सर। उसी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कॉल है, अभी आप मेरे साथ लाइन पे रहेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर इमीडिएटली मैसेज रिसीव होगा बैंक की साइड से। ओके। जो आपको मुझे वेरीफाई करवाना होगा एंड देन आपके पास सेकंड मैसेज रिसीव होगा जिसमें मेरा नेम, मेरी ब्रांच का नेम, मेरी एम्प्लॉय आईडी सब वेरीफाई होगा। ओके। ठीक है। एंड विद इन 2 वर्किंग डेज में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे न्यू कार्ड डिलीवर किया जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव के थ्रू, तब तक आप अपना पुराना कार्ड सर इजिली यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है। एंड वेरिफिकेशन में सर मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन करूंगी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जाएगी एंड ना ही आपका कोई पिन या पासवर्ड, एंड वो आपने शेयर भी नहीं करना है कभी किसी के साथ। होंगे कार्ड कैरी कर रहे हैं अभी? कार्ड है आपके पास? आपका है ना कार्ड है सर अभी आपके पास? हाँ है ना। चेक कीजिएगा आपके कार्ड पे वीजा लिखा है, मेट्रो लिखा है? वीजा लिखा है। आपके कार्ड पे देखिए आपको कार्ड नंबर दिया गया सर 16 डिजिट का, 4591 से स्टार्ट है। चेक कीजिए सर। बराबर है। ओके आगे आप कंफर्म करवाइए 4591 5। फिर आगे बोलो आप। आप कंफर्म करवाइए सर, एक ऑडिबल लाइन पे कस्टमर के एंड से ओपन वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है, मुझे अथॉरिटी नहीं है आपके सर डिटेल शेयर करने की। नहीं मैं अपना नंबर क्यों बताऊं आपको? सुनिए सर वेरिफिकेशन मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन कर रही हूँ, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जा रही है, मैं आपका कोई पिन या पासवर्ड। ओके। यदि आपका एटीएम कार्ड है सुनिए सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड सब कुछ यूज नहीं कर सकते, आपको क्यों यूज करूँ? सर सुनिए आप, सुनिए सर आपका एटीएम कार्ड, आपकी ऑफिस का एड्रेस दीजिए, कौन सी ब्रांच से आप बात कर रहे हो? मैं एड्रेस से बात कर रही हूँ मुंबई से। हैं? एड्रेस मुंबई से बात कर रही हूँ। एड्रेस बोलिए। क्यों आप एड्रेस में आएंगे? हाँ बोलिए एड्रेस बोलिए। ओके ठीक है, मत करिए वेरिफिकेशन फिर आपका कार्ड बंद हो जाए। एड्रेस बोलो आप, कार्ड बोले बंद हो जाए, आपका एड्रेस बोलो, आपका एड्रेस बताओ आप। क्यों सर जी? आपका एड्रेस बताइए, कौन सी ब्रांच से आप बोल रहे हो? सर हेड ऑफिस में आप आ जाओ, आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा। हाँ हेड ऑफिस का आप बोल दो, आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो बताओ आप। एसबीआई सर। हाँ पूरा एड्रेस बताओ और आप कौन बोल रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं आप, आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए आप। मेरा नाम है सर अमित शर्मा। अमित शर्मा, क्या डेजिग्नेशन है आपकी उधर? सर मैं यहाँ पे हूँ, आपको सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्या दूँ, पहले आप ये बताओ। अरे क्यों आपने फोन किया? आप बैंक से बात कर रहे हो? यू आर आस्किंग माई कार्ड डिटेल, आप उसमें देने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं वो तो बात सही है। आप बताओ आपका पूरा नाम क्या है और आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आपका एड्रेस बोलो, आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो? देखिए सर एड्रेस मैं आपको बता दूं, मुंबई हेड ब्रांच से बात कर रहे हैं। पूरा एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस बताओ, कौन सी ब्रांच, हेड ब्रांच कौन सा एरिया और ब्रांच कोड बोलिए आपका। ब्रांच कोड है सर 0786। है 0786। ठीक है पूरा एड्रेस बताओ ब्रांच का। बेस्ट लाइन से बाय गाय टुआ गर्ल्डे आई गो फोन रखना सर, सर फोन रखो अभी टाइम नहीं जा रहा, मैसेज आ गया बंदी का।
ये नंबर मैं क्राइम में दे रहा हूँ, है ना, मैं खुद भी यहाँ पे पुलिस में हूँ, बराबर है। अभी तुम पकड़ो इसको, पकड़ता हूँ मैं तुमको। किधर से फोन कर रहा है? सर जी रोज आते हैं आप, ये जो आप बोल रहे हो ना रोज आते हैं। हाँ ये रोज नहीं आते, कभी कभी सिर फिर आता है, समझ लो। आज ये तुमने कॉल करके जो गलती की है उसका तेरे को 48 घंटे में रिजल्ट देता हूँ मैं, रुक तू फोन। 48 घंटे में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इत्तला है हमारे नाजरिन के लिए, बिलखसूस आवाम के लिए। कोई भी बैंक से फोन करके आपके कार्ड का पिन कार्ड नंबर नहीं पूछता, सीवीवी नंबर नहीं पूछता, सिर्फ चीटर्स ही पूछते हैं। ऐसे कई केसेस सीसीएस में रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले भी आजकल हाथ उठा दे रहे हैं, पैसे तो मिलते नहीं। ऑनलाइन चीटिंग अगर देखते रहेंगे साइबर क्राइम वाले तो उसका पता नहीं मिलता, वो कहीं लंदन में अमेरिका में बैठ के चीटिंग करता है यहाँ की सिम से। ऐसे कई वाकयात आए हैं सामने, आप लोग होशियार हो जाइए, ऐसे कॉल्स को इनकरेज मत करिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। हमारा फर्ज था व्हाट्सएप अनकट का, व्हाट्सएप चैनल का, कि आवाम में अवेयरनेस लाना, तो हमने आज ये अवेयरनेस ला दिया आपसे। आप लोग जरा होशियार हो जाइए। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और आवाम से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।